हाय नमस्ते। आपको ठीक सामने देखना। अच्छा जी, ठीक है, प्रेशर डाल दिया आपने। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों के और ये अवार्ड शो के लिए कि इन्होंने मुझे ये पुरस्कार देने का डिसीजन लिया है, और मैं बहुत खुश हूँ और आप सब लोगों ने मुझे इस साल इतना प्यार दिया है। और अगर ये पुरस्कार उस प्यार और एक्सेप्टेंस का एक रिफ्लेक्शन है तो मैं बहुत ही खुश हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब एक एक्टर काम करना शुरू करता है या करती है तो वो कभी अवार्ड को जहन में रख के काम नहीं करते, लेकिन जब मिलता है, जब लोगों को उनका काम पसंद आता है तो हमेशा अच्छा ही लगता है। नहीं नहीं, इनका और इनका दोनों कर लेते हैं। आपकी ब्यूटीफुल साड़ी के बारे में जानना चाहेंगे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, थोड़ा सा मनीष सर ने मेरे लिए साड़ी बनाई है और पिंक मेरा पसंदीदा कलर है और उनकी डिज़ाइन है। उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की है आज, और बस मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। अभी अभी पहनना शुरू किया है मैंने, तो आई होप दैट आई कैन पुल इट ऑफ। Yes, it's my first time that I'll be voting, and I think it's very important that everyone votes, especially our generation, because we're informed individuals and we need to take, it's a democracy that we're living in and we need to take it in our hands and make decisions. And Ishan is also here. Aap dono ko se sammanit kiya ja raha hai, ye yaadgar rahegi ji, zarur yaadgar rahegi, ye meri first film hai to zahir hai ki mere liye hamesha puri zindagi yaadgar rahegi। और आप लोगों ने इस फिल्म को इतना प्यार दिया है तो उसके वजह से और भी यादगार रहेगी हमेशा। थैंक यू। ना सिर्फ मेरे, लेकिन मुझे लगता है किसी भी कलाकार के ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा सम्मान है। सो इट्स द सेम फॉर मी। जी, थैंक यू सर। एक्चुअली इस तरह की जो आउटफिट होते हैं काफ़ी सिंपल होते हैं। अनीशा जैन ने मुझे स्टाइल किया है और कल हमने ट्राई किया, फिटिंग कर दी, पहन लिया, इट्स क्वाइट सिंपल। माफ़ कीजिएगा, अवार्ड की फॉर मी आई थिंक अवार्ड सर दे सिग्निफाई रिकग्निशन एंड इनकरेजमेंट, सो इट मीन्स अ लॉट टू मी दैट माई वर्क इज़ रिकग्नाइज, दैट आई एम बींग इनकरेज बाई माई सीनियर्स, बट टू मी आई गेस ऑल इट मीन्स इज पुल अप योर सॉक्स एंड डिलीवर बेटर एवरी टाइम। जी, कोई एक नहीं कहूँगा मैं सर, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर इक्वली वैल्यूएबल। विद द अवार्ड्स कम द एक्सपीरियंसेस टू मीट विद द सीनियर्स ऑफ द फ्रटर्निटी एंड टू मीट विद द जूरी मेंबर्स एंड टू मीट विद वंडरफुल आर्टिस्ट्स, सो आई थिंक ऑल दोज एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट फॉर मी, बट ऑल द अवार्ड्स आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, दे आर ऑल आई गेस द सेम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मी। टिकटॉक को जी नहीं, मैंने नहीं सुना था, आपसे मैं पहली बार सुन रहा हूँ। म्यूजिकली हुआ करता था। जी जी, मेरी इस पर कोई राय नहीं है सर, मैंने अभी अभी इसके बारे में मुझे जानकारी मिली है आपसे, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये डिसीजन लिया है तो आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लिया होगा। So I really don't know very much about it, so I won't comment on it. Kishan, yeah.
हाय कैसे हैं आप? गुड इवनिंग. थैंक यू सर. I do hope so, of course, yeah. And as you are an ideal and you have an impact on your personality and your ability, I would also like to add, probably this time you will be voting for the first time. Ji, this would be my first time. Lots of people are asking you, would you like to encourage them to come out and vote for their definitely and really? Oh, definitely. I think it's very important to take responsibility as a citizen of this country and even as a citizen of this world, to be aware and to go out there and cast your votes, because it makes a difference. Every single vote makes a difference, and this is your contribution to our future as a nation. So I will be casting my vote. I hope that everybody who is of age will do the same. जी आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है युवा के लिए कि जैसे कि उसको पहली बार मतदान करना? जी हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, एज इट इज फॉर एनी सिटीजन ऑफ द ऑफ एनी कंट्री, इट इज ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट. जैसे कि मैंने कहा, इट डिक्टेट्स द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री, यू नो, एंड दिस इज द वन वे दैट वी कैन मेक आर वॉइस हर्ड एंड मेक अ डिफरेंस एंड मेक आर चॉइस, यू नो. So it's a democracy, and we must play our part, and we must do what we can as citizens. Thank you so much. Jesus, thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. It means a lot. Thank you. Anything? Thank you. Thank you so much.